फैजल खान। तो गाइस आज है सेकंड डे बिगिनर्स के लिए जो कि मेरी सीरीज चल रही है, तो साथ में सुहान है फिर से। तो आज डे टू में क्या मिक्स वर्कआउट लगाएंगे और क्या बिगिनर्स का रहता है तो वही करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि आपको पता ही है कि कैसे हमको अपना वार्म अप और कैसे अपनी स्ट्रेचिंग करनी है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दी थी अच्छे से, जैसे करके दिखाई थी वैसे ही आप कर लेना। स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट के लिए आपकी स्ट्रेचिंग और वार्म अप अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लगाएंगे अपना वर्कआउट। तो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वार्म अप मैंने बता ही दिया था आपको, अगर आपको आज फिर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो डायरेक्ट चलते हैं अपने वर्कआउट के लिए। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है बैक पर लेट पुल डाउन, तो देख लेना। पिछली बार हमने लगाई थी फ्रंट पर, तो अब लगाएंगे बैक पर, तो देख लेना। चल भाई, हमको क्लोज ग्रिप पकड़नी है, ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना है, क्लोज पक जितना हमने फ्रंट के लिए पकड़ा था उससे हल्का सा और क्लोज पकड़ना है। अंदर से देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट कमर रहेगी हमारी और पूरा बैक पे लेके आना है। देख सकते हैं किस तरह से लगा रहे हैं। तो इसके हमको वही लगाने हैं 10 से 12 या 10 से 15 रैप्स दो सेट के लिए। देख लो कैसे लगा रहा है। एकदम स्लो स्लो आपको अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जिससे आपका जो मसल्स है उनके साथ अच्छे से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सके उनके साथ में। तो देख लो बहुत अच्छा। सेकेंड हमारी एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। पिछली बार मैंने आपसे बताया था आप चेस्ट की जो एक्सरसाइज लगाएंगे तो किसी भी मशीन से लगाना, मशीन से वर्कआउट। तो आज हम लगाएंगे एक, हमारा पहला सेट होगा चेस्ट के लिए वो लगाएंगे हम रोड से, और जो सेकेंड सेट होगा वो लगाएंगे हम मशीन से। तो इसके भी हमको वही रखना है 10 से 15 रैप्स के बीच में, और फिर जो मशीन का सेट लगाएंगे उसके भी 10 से 15 के बीच में रखेंगे। तो मैं पीछे सपोर्ट के लिए रहूँगा जिससे इसके हाथ आगे पीछे ना हो और अच्छे से अपना सेट लगा सके। तो आप भी किसी को पीछे खड़े कर लेना जिससे आपके हाथ आगे पीछे ना भागे। चलो ज़्यादा वाइड मत पकड़ना, क्लोज ही पकड़ना अपनी चेस्ट के पास से। चलो यस, 1 2 3 4 5। तो गाइस देखा आपने कैसे मैंने अभी इसका सेट लगवाया है। तो आप ध्यान रखना कि आप पीछे किसी को खड़ा कर लें सपोर्ट के लिए, जो कि आपके हाथों को आगे पीछे ना भागने और ऐसे ऐसे ना हो। तो हम चलते हैं आप मशीन की तरफ, जो कि हमारा दूसरा सेट है चेस्ट के लिए ही रहेगा। तो गाइस ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, वही चेस्ट के लिए दूसरा सेट लगाएंगे। पहले हमने रोड से लगाया आपने देखा, और दूसरा हम लगा रहे हैं बटरफ्लाई मशीन से। उसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वेट आप ज़्यादा मत रखना, वेट आप कम ही रखना। तो चलो देख सकते हैं एकदम स्लो सेट लग रहा है, ऐसे ही स्लो स्लो लगाना, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और ज़्यादा वेट मत लगाना, लाइट वेट यूज करना। ये चेस्ट की थी, अब लगाएंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज जो कि होने वाली है हमारी बाइसेप्स के लिए। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था किसी भी मशीन से लगाना, जो भी आपकी जिम में मशीन होगी। तो आज हम लगा रहे हैं सेकंड डे में पहले रोड। रोड में याद रखना सामने किसी को जरूर रखना, और अच्छे से मिरर में देखना कि आपके हाथ जो उठ रहे हैं ऐसे शेक ना करें और ऊपर नीचे ना चले, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहला सेट रोड का लगाएंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे दूसरा सेट मशीन का, और वही लगाना है 10 से 15 रैप्स के बीच में। तो ध्यान रखना, देखते हैं कैसे लगाते हैं। ज़्यादा क्लोज नहीं, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं पकड़ना है, ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना है, जितने आपके शोल्डर हैं शोल्डर के अकॉर्डिंग पकड़ना है। देख सकते हैं अभी इसकी क्या शेप है। तो हाथों को सीधे रखना है बिल्कुल, अब उठाना है ये गर्दन सीधे, बस बहुत बढ़िया, शाबाश। गर्दन मत हिला, आपको गर्दन का मूवमेंट नहीं करना है ऐसे, ना बॉडी हिलानी है, जैसे चल रहे हैं बस ऐसे ही चलाना है, ठीक है। रख दे। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से सेट लगाया रोड से, आपके हाथ जो है ऊपर नीचे ऐसे ना हो, आपका वेट बाहर ना निकले। इसके बाद हम लगाएंगे अपना मशीन से सेट जो कि बाइसेप्स का ही है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया बाइसेप्स की रोड कैसे लगानी है, अब लगाएंगे हम मशीन से फटाफट। तब ये दूसरा सेट है हमारा, ये भी वही रहेगा 10 से 15 के बीच में, और एल्बोज आपको वही सीधी रखनी है, बिल्कुल आपने गट्टे सीधे रखने हैं, उठाना है, अब लिफ्ट करो ये, शाबाश। गर्दन नहीं हिलानी,
गर्दन को अपनी एक जगह होल्ड करके रखना है, बॉडी को एक जगह होल्ड रखना है, ऐसे झूलना नहीं है वेट के ऊपर, बस अपने हाथों को जैसे चल रहे हैं सेम एग्जैक्टली ऐसे चलाना है, वेट नहीं उठाना है ज़्यादा, ध्यान रखना लाइट वेट रखना जितना हो सके आपसे, और ध्यान रखना कि सेट को हमेशा स्लो लगाए, ऐसे हबड़ दबड़ में मत लगाना, स्लो एकदम, 1 2 इस तरीके से सेट लगाना है। देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी, अब हम लगाएंगे अपनी फोर्थ एक्सरसाइज जो कि होने वाली है हमारे ट्राइसेप्स के लिए, तो चलते हैं वो लगाते हैं। तो हम लगाएंगे सबसे पहले अपनी बैक डिप्स, तो बैक डिप्स कैसे लगानी है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो भाई, अपने हाथों की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी है आपको, अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग चौड़ाई रखनी है, पीछे की साइड पैर आगे कर लेना थोड़े से बस। चलो डाउन, 1, ध्यान रखना अगर आप क्लोज कर सकते हैं अपने हाथों को तो क्लोज रखना पीछे की साइड से, ये शाबाश, ये बहुत बढ़िया, शाबाश बहुत बढ़िया, ठीक। इसके भी आपको वही लगाने हैं 12 से 15 रैप्स, और इसके बाद हम लगाएंगे सेकेंड एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए अपनी पुली पुश डाउन केबल क्रॉस, जो कि मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में कराई थी, तो मैं दोनों सेट को मिला के ऐसे ही करा रहा हूँ आपको, जैसे बाइसेप्स में कराया, चेस्ट में कराया, और अभी मैं करा रहा हूँ आपको ट्राइसेप्स में, तो सेम रहेगा इस तरीके से। तो चलते हैं ट्राइसेप्स करेंगे अभी, तो दूसरा सेट है ट्राइसेप्स के लिए पुली पुश डाउन, उसके बाद डायरेक्ट पुली पुश डाउन ये रहेगा, और इसके भी 10 से 12 रैप्स निकालने हैं, देख लो कैसे लगा रहा है, सीधा गट्टे सीधे रखे जैसे बता रहा, ये गट्टे आपको मोड़ने नहीं है, सीधे रखने हैं ऊपर भी और नीचे भी, नहीं तो ये खराब हो सकते हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया, गर्दन सीधी कोनी एक जगह, अपनी एल्बोज को एक जगह लॉक करके रखना है, शाबाश बहुत कूल, बहुत बढ़िया, सीधे रहना है, ज़्यादा आपको मुड़ना नहीं है ऐसे, ना पीछे की साइड मुड़ना है, सीधे रहना है स्ट्रेट, आराम से बस छोड़ो। तो ये अपना सेट था ट्राइसेप्स के लिए, अब लगाने वाले हैं शोल्डर, फोर्थ एक्सरसाइज है शोल्डर्स, तो लगाने वाले हैं डंबल्स हैं, और इसके भी 10 से 15 रैप्स लगाएंगे। पिछली बार मैंने आपसे बताया था मशीन हो तो मशीन का यूज़ करना और डंबल का, अब आज दूसरा डे है तो हम इसलिए डंबल का यूज़ कर रहे हैं, और इसके बाद लगाएंगे दूसरा सेट रोड से, तो देख लेना कैसे लगा रहे हैं। चलो भाई, डंबल लेने के बाद अपने हाथ ऐसे मत करना, सिंपल ही उठाना, सिंपल ही नीचे, चलो बहुत शाबाश, चलो ज़्यादा पीछे मत लेना, आगे रख आराम से, बहुत बढ़िया, बस यहाँ तक लेके आना है कान तक, ज़्यादा नीचे नहीं लेके आनी है, बस चलो शाबाश। तो देख सकते हैं कैसे एक्सरसाइज लग रही है, बस। तो ये था हमारा डंबल से, अब इसी की सेकंड एक्सरसाइज जो होगी, दूसरा सेट जो होगा वो लगाएंगे रोड से, इसको नीचे। हमारा दूसरा सेट है शोल्डर के लिए जो फ्रंट से लगाएंगे रोड से, देख सकते हैं। चलो भाई, इसके भी 10 से 15 रैप्स निकाल लें, और एकदम स्लो लगाना, ज़्यादा आपको जल्दी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं अभी, ये जो एल्बोज है इनको आगे की साइड रखना है, ये ले गया है ऐसे यहाँ पे उठाओ, ये कोनी अंदर की साइड रखनी है, ऐसे उठाना है यहाँ से, ये ऊपर और ये नीचे, बहुत बढ़िया शाबाश, ज़्यादा भी नीचे नहीं, बस बहुत बढ़िया, बहुत ठीक ठीक रख देता हूँ। तो गाइज ध्यान रखना कि हैवी वेट आपको लगाना नहीं है, स्टार्टिंग है आपकी, दूसरा ही दिन है, तो लाइट वेट का यूज़ करना हमेशा, और जैसे जैसे एक्सरसाइज बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। आई होप कि रिजल्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा आएगा और काफ़ी अच्छी बॉडी बनेगी। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, DM कर देना इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं डाइट वगैरह के बारे में, अगर कुछ और इंक्वायरी हो तो वो भी कर सकते हैं। और वीडियो में जो भी आपके ऊपर रिजल्ट आ रहा है तो मुझसे ज़रूर शेयर करना, कमेंट करना, बताना कि भैया हाँ ये वर्कआउट अच्छा लगा बुरा लगा, तो ज़रूर बताना यार, एक मोटिवेशन मिलती है काफ़ी अच्छी। तो वीडियो आती रहेगी आप लोगों के लिए, बने रहिएगा चैनल के साथ में, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। टाटा बाय बाय, सेफ रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।